लेसन वन प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। प्रोड्यूसिंग का मतलब होता है पैदा करना और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है बिजली। इस तरह वो कह रहे हैं चैप्टर का नाम है प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर में हमें बताएंगे कि बिजली कैसे पैदा की जाती है। टॉपिक है क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन वन, हाउ पावर स्टेशन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। पावर स्टेशन वो होते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा जनरेटर और मैग्नेट्स उन्होंने लगाए होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। अब इस क्वेश्चन में वो पूछ रहे हैं कि कैसे पावर स्टेशन प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। आंसर है इन अ पावर स्टेशन। पावर स्टेशन में क्या होता है, ह्यूज, ह्यूज का मतलब होता है बहुत बड़े। जनरेटर्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। टर्न टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, इनको किसलिए इस्तेमाल किया जाता है, बिजली पैदा करने के लिए। इट कंसिस्ट ऑफ मैग्नेट। कंसिस्ट का मतलब होता है मुश्किल, किस पे मुश्किल होता है, मैग्नेट पे यानी के मकनतीस पे। सराउंडेड बाय, सराउंडेड के किससे लिपटा होता है, कॉइल्स ऑफ कॉपर वायर। कॉपर वायर के जो कॉइल्स होते हैं उससे लिपटा हुआ होता है मैग्नेट। व्हेन द मैग्नेट टर्न, जब मैग्नेट घूमता है वेरी फास्ट, बहुत तेजी से, इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या पैदा होती है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है यानी कि बिजली पैदा होती है। अभी सारे क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि पावर स्टेशन में क्या होते हैं, बड़े बड़े जनरेटर्स होते हैं जिनके टर्न यानी कि जिनके चलने से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और वो जनरेटर किस पे मुश्तमिल होते हैं, मैग्नेट्स पे मुश्तमिल होते हैं। और उन मैग्नेट्स के ऊपर क्या लगा होता है, कॉइल्स। कॉइल्स किसकी लगी होती है, कॉपर वायर की। जब ये मैग्नेट तेजी से घूमते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इसी तरह क्वेश्चन वन है, हाउ पावर स्टेशन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, के पावर स्टेशन बिजली कैसे पैदा करते हैं। इन अ पावर स्टेशन ह्यूज जनरेटर्स आर टर्न टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इट कंसिस्ट ऑफ मैग्नेट सराउंडेड बाय कॉइल्स ऑफ कॉपर वायर। व्हेन द मैग्नेट टर्न वेरी फास्ट, इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन टू है, डिफाइन इलेक्ट्रिसिटी, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। आंसर है इलेक्ट्रिसिटी इज यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी। बिजली क्या होती है, एनर्जी की, एनर्जी किसको कहते हैं, ताकत को कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, यूजफुल का मतलब होता है इस्तेमाल करने वाली। इट कैन बी इजिली चेंज, ये इसको क्या करते हैं, हम आराम से चेंज कर सकते हैं किसमें, टू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, दूसरी किस्म की एनर्जी में, सच एज, जैसा कि हीट, घरारत और लाइट। और लाइट में इस सारी लाइन में वो क्या बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसको हम चेंज कर सकते हैं हीट और लाइट में। हीट में कैसे चेंज कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक हीटर होता है उसको हम जलाने के लिए, उसको जब प्लग करते हैं उसकी वायर को, तो क्या करता है, हीट पैदा करता है, होती तो वो इलेक्ट्रिसिटी है लेकिन वो क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है हीट की फॉर्म में। और दूसरा आ गया लाइट का, लाइट में कैसे कन्वर्ट होगी, जैसे कि लाइट बल्ब होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जब हम स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है, लाइट चलना स्टार्ट हो जाती है। तो उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, लाइट में कन्वर्ट हो सकती है। इट कैन बी मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये एक जगह से दूसरी जगह भी मूव कर सकती है, कैसे कर सकती है, अलोंग वायर्स एंड केबल्स, वायर्स और केबल्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती है। इसी तरह इसमें बता रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, इसको हम इजीली एक जगह से दूसरी जगह, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, लाइक हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी और वर्क में कैसे चेंज कर सकते हैं, वो हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेस होते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि लाइट को कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास बल्ब होगा और हीट को कन्वर्ट करने के लिए हमने हीटर की एग्जाम्पल ले लिया। इट कैन बी मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जैसे सबके घरों में लाइट होती है, किसके थ्रू जा रही होती है, एक जगह से दूसरी जगह वायर्स के थ्रू जा रही होती है और केबल्स के थ्रू। इसी तरह क्वेश्चन टू है, डिफाइन इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। आंसर, इलेक्ट्रिसिटी इज यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट कैन बी इजीली चेंज टू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी सच एज, जैसा कि हीट और लाइट। इट कैन बी मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस अलोंग वायर्स एंड केबल्स। क्वेश्चन थ्री, व्हाई आर द पाइलॉन्स ऑन विच इलेक्ट्रिसिटी केबल्स आर हाउंड बाई टर्न। पाइलॉन्स कहते हैं बिजली के जो खंभे होते हैं, लगे होते ना खंभे, आप लोगों ने देखे होंगे, बड़े बड़े से होते हैं जिनके ऊपर वायर्स लगी होते हैं, पाइलॉन्स कहते हैं खंभों को। ऑन विच, जिनके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी केबल, बिजली की तारे, और हम बहुत ऊंची, बहुत ऊपर जाके बिजली की तारे लगी होती है, और हम वेरी टाल, हम का मतलब होता है लगी होना। आंसर है, केबल्स आर कैरिड ऑन टाल स्टील टावर्स कॉल्ड पाइलॉन्स। स्टील के होते हैं, बहुत लंबे ऊंचे ऊंचे होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर क्या होता है, केबल्स लगी होती है, इलेक्ट्रिसिटी वायर्स होती है। केबल्स आर हंग ऑन पोर्सिलिन होल्डर्स, और उस खंभे
होते हैं कि ऊपर आप लोगों को ब्राउन कलर के वो आते हैं होल्डर किस्म के, गोल गोल स्प्रिंग की तरह लगे होते हैं, जिनके अंदर क्या होती है वायर्स को लगाया गया होता है, ठीक है। वो क्या होते हैं, पोर्सलीन होल्डर्स होते हैं। पोर्सलीन होल्डर्स एक्चुअली होते क्या है, बिकॉज क्योंकि पोर्सलीन इज अ गुड इंसुलेटर। इंसुलेटर्स वो चीजें होती हैं जो अपने अंदर से ना हीट को पास होने देती हैं ना ही इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देती हैं, उनको क्या कहते हैं, इंसुलेटर्स कहते हैं। एंड स्टॉप इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एस्केपिंग। इलेक्ट्रिसिटी एस्केपिंग का मतलब होता है निकलना या बच निकलना या निकलने को कहते हैं। स्केपिंग डाउन द पाइलॉन्स, पाइलॉन्स कहाँ पे, पाइलॉन्स पे ना सके, टू द ग्राउंड। पाइलॉन्स से किस में ना सके, ग्राउंड में। अब जो बिजली के खंभे होते हैं आपको पता है कि वो किस में लगाए जाते हैं, जमीन में लगाए जाते हैं, जमीन में लगे होते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, उनके ऊपर क्या लगे होते हैं, पोर्सलीन होल्डर्स होते हैं, जिनके जो ब्राउन कलर के होते हैं, जिनके अंदर वायर्स लगी होते हैं, कभी गौर से देखिएगा उनको क्या कहते हैं, पोर्सलीन होल्डर्स होते हैं। वो पोर्सलीन होल्डर इसलिए लगाए जाते हैं कि जो पोर्सलीन होती है वो गुड इंसुलेटर है, अपने अंदर से ही इलेक्ट्रिसिटी को पास ऑन नहीं होने देती। जब इलेक्ट्रिसिटी पोर्सलीन होल्डर में से पायलॉन तक नहीं जाएगी तो वो इसका क्या मतलब है कि वो ग्राउंड तक भी नहीं पहुंच सकेगी। इसलिए वो कह रहे हैं कि व्हाई आर द पायलॉन्स ऑन व्हिच इलेक्ट्रिसिटी केबल्स आर हंग लेटर, क्योंकि ऊपर जो बिजली की तार होती है वो ज्यादा ऊपर करके क्यों लगाई जाती है, क्यों हंग की जाती है। तो उसका आंसर होगा केबल्स आर कैरिड ऑन टॉल स्टील टावर्स कॉल्ड पायलॉन्स। और टॉल स्टील टावर्स को क्या कहा है, पायलॉन्स को मैंने बता दिया, पायलॉन्स खंभों को कहते हैं। केबल्स आर हंग ऑन पोर्सलीन होल्डर्स, पोर्सलीन होल्डर्स के बारे में बता दें कि वो क्या होते हैं। पोर्सलीन इज अ गुड इंसुलेटर एंड स्टॉप इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एस्केपिंग डाउन द पायलॉन्स टू द ग्राउंड। क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को किस तक नहीं आने देते, पायलॉन्स तक नहीं आने देते, ताकि वो ग्राउंड तक ना पहुंच सके। अब इसका आंसर रीड करती हूँ। क्वेश्चन जी है, व्हाई आर द पायलॉन्स ऑन व्हिच इलेक्ट्रिसिटी केबल्स आर हंग वेरी टॉल। आंसर है केबल्स आर कैरिड ऑन टॉल स्टील टावर्स कॉल्ड पायलॉन्स। केबल्स आर हंग ऑन पोर्सलीन होल्डर्स बिकॉज पोर्सलीन इज अ गुड इंसुलेटर एंड स्टॉप इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एस्केपिंग डाउन द पायलॉन्स टू ग्राउंड।